ये वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि पूरा एक महीना टैली का लाइव क्लास चलेगा। शाम को 7 बजे से पहले भी चलता था, अब भी चलेगा। तो शुरुआत से लेकर लास्ट तक एक्सरसाइज से लेकर सारा क्वेश्चन से लेकर सब कुछ कराऊंगा। तो जो लोग भी जुड़ना चाहते हैं, चैनल को खाली सब्सक्राइब करना है, पूरी क्लास फ्री है। आप सारे लोग एक साथ जुड़िए, सारे सवाल पूछिए, सबका जवाब दूंगा, पूरा क्लास कराऊंगा। शुरू से लेकर लास्ट तक रहिएगा, 7 बजे से 8 बजे तक डेली क्लास चलेगा और ये क्लास फ्री है, सबसे बड़ी बात, ठीक है। और जो भी कुछ सीखना चाहते हैं, देखिए टैली में 100% गारंटी है कि उस क्लास को करने के बाद फिर आपके पास सीखने के लिए और कुछ चीजें बचेंगी नहीं, एकदम गारंटी के साथ कह रहा हूँ। तो शुरू से लेके लास्ट तक खाली बने रहना है आपको उस क्लास में, क्लियर है ना। तो देखिए जो भी आपको सीखना है उस क्लास में सब कुछ सिखाया जाएगा टैली का, ठीक है। इसके अलावा MySQL का भी क्लास लूंगा, तो MySQL का क्लास कब कब चलेगा उसके बारे में इन्फॉर्मेशन आगे दूंगा, लेकिन टैली की क्लास तो चलेगी 7 से 8 शाम को। तो इसके लिए आप तैयार रहिएगा। जो लोग भी जुड़ना चाहते हैं, नए व्यूअर हैं तो वो लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, ठीक है ना। तो जो लोग भी जुड़ना चाहते हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, ओके, और शेयर भी कीजिएगा इस चीज़ को कि लाइव क्लास चलेगी तो सबको सिखाया जाएगा उसमें और फ्री ऑफ कॉस्ट सीखेंगे आप। और ये भी गारंटी है कि आप जहां जाएंगे वहां जॉब 90% लगने की संभावना आपकी रहेगी, ठीक है ना, ओके। टैली प्राइम में एक समस्या होती है डेट चेंज करने की, जो काफ़ी ज़्यादा परेशान करती है। देखिए डेट चेंज का क्या प्रोसीजर है, देखिए ये टैली प्राइम है और एक कंपनी है 1234@ कंपनी के नाम से एक कंपनी बनी हुई है, जो भी कंपनी है। अब इसका फाइनेंशियल ईयर चेक करना है तो आपको अल्ट F2 प्रेस करना है। देखिए 1/4/2022 से 31/3 फाइनेंशियल ईयर है, ये तो तरीका हो गया फाइनेंशियल ईयर चेक करने का, ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम डेट का है, अभी डेट अगर कोई भी एंट्री आप पास करने जाते हैं तो यहां से डेट अगर चेंज करते हैं, देखिए या तो 1 तारीख के डेट में काम कीजिए या तो 2 तारीख के डेट में काम कीजिए। अगर आप 3 करते हैं, 2 से 3 जैसे ही यहां पे हुआ, मान लीजिए 3/5/2022 करते हैं, तो ये डेट एक्सेप्ट ही नहीं करता है। कुछ लोगों का ये कहना है, शायद आप ऐसा भी सोचते हो कि क्या ये डेट एक्सेल से कॉपी करके पेस्ट किया जा सकता है क्या, एक बार चेक करते हैं। ये बाउचर डेट है, यहाँ पे ये डेट मैंने हटा दिया है और यहाँ पे एक डेट है 5/6/2023 है, 2022 कर देते हैं यहाँ पे, ये लीजिए ये कर दिया 2022, ठीक है। और अब इसको कॉपी करते हैं, ये एक्सेल पे लिखा गया है, इसको कॉपी करते हैं, अब इसको वहीं पे ले जाके पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, ये देखिए ये पेस्ट कर दिया। अब पेस्ट करने के बाद क्या करना है आपको, एंटर करना है। देखिए ये फिर भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, देखिए मैं एंटर कर रहा हूँ लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो फिर इसका समाधान क्या है, क्या एजुकेशनल वर्जन में इसका समाधान हो सकता है? एजुकेशनल वर्जन तो फ्री होता है, फिर ये कैसे पॉसिबल होगा? तो देखिए एक काम आप कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी पुराना बिल मैं लेता हूँ, ठीक है, यहाँ से जैसे ये परचेज वाला बिल या सेल्स वाला बिल लेते हैं, ये सेल्स वाला बिल, ठीक है, पुरानी एंट्री पास की थी वही बिल मैं ले ले रहा हूँ, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अल्ट पी प्रेस करना है और एंटर करना है। जैसे ही आप एंटर करते हैं, सिंपली अल्ट पी प्रेस करते ही ये इस तरीके का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अब आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट यानी कि अल्ट के साथ ई प्रेस करना है, अल्ट ई। जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये इस तरीके से खुल जाएगा, एक्सपोर्ट यहाँ पे दिया गया है तो अल्ट ई प्रेस कीजिएगा। यहाँ देखिए यहाँ पे इम्पोर्ट भी दिया गया है, तो आपको एक्सपोर्ट पे जाना है इस तरीके से और एंटर करना है। जैसे ही एंटर करेंगे तो ये पूछेगा कि आपको इसको किस में एक्सपोर्ट करना है, तो ये देखिए एक्सेल स्प्रेडशीट पर ये हमें चाहिए, ठीक है। तो इसको सेंड करते हैं, ये सेंड किया। अब जब ये खुलेगा ना तो एक्सेल स्प्रेडशीट पे ही खुलेगा, देख रहे हैं ये एक्सपोर्ट हो गया है, और अब जब ये खुलेगा तो ये एक्सेल स्प्रेडशीट पे ही खुलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये एक्सेल स्प्रेडशीट पे खुल चुका है। अब आप यहाँ से क्या करिए, क्लिक कीजिए डेट चेंज कर लीजिए, ठीक है, बड़ा आसान है। यहाँ 5 कर दीजिए, अब ये काम हो गया। यहाँ पे देखिए ये एडिट हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे तक आइए, पूरा बिल देखिए आप, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जहां जहां भी डेट आपको दिखाई दे वहां वहां चेंज कर दीजिए, ठीक है। इस तरीके से सॉल्यूशन इसका निकाला जा सकता है, ठीक है। एक्सेल पे ये प्रिंट हो गया है, ये देख सकते हैं। अब आपको करना क्या है, अब मान लीजिए खाली इतने प्रिंट निकालना है तो इसको सेलेक्ट कर दीजिए, और सेलेक्ट करके क्या करना है, यहाँ पर आपको पेज लेआउट टैब में सेट प्रिंट एरिया मिलता है, तो ये सेट प्रिंट एरिया पर क्लिक कर दीजिए। और अब जब इसका प्रीव्यू देखेंगे ना आप, यहाँ से चलिए प्रीव्यू देखते हैं, तो ये आ गए यहाँ पे प्रिंट पे, और ये प्रिंट पे आके इसका प्रीव्यू देखिए, तो ये प्रीव्यू देखेंगे ना तो 5 मई दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, 5 मई, देखिए ना। इस तरीके से इसका समाधान निकाला जा सकता है, ये एक विकल्प हो सकता है, ठीक है। दूसरा कोई विकल्प नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा, या तो आप परचेस कीजिए या तो आप इस तरीके से काम कर सकते हैं, ठीक है ना। डेट चेंज के लिए ये मैंने सोल्यूशन दे दिया है, क्लियर।